सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर चढ़ना भी जरूरी है। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। आज का पंचांग 30 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 5:45 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र दोपहर 2:57 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:45 से 11:15 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:38 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर दोपहर 2:57 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 30 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार, समय अनुकूल है। आप अपने कार्यों में जितने अधिक मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको ज्यादा उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों की भी अपनी शिक्षा संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलेगा और वे अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। लोगों की नकारात्मक बातों का असर आप पर जल्दी होगा, इसीलिए महत्वपूर्ण काम करते समय काम से जुड़ी योजना के बारे में अधिक चर्चा ना करें। किसी व्यक्ति के बारे में बढ़ती कड़वाहट आपकी मानसिक शांति भंग कर रही है, इसलिए या तो व्यक्ति से दूरियां बनाए रखें या फिर जिन बातों से आपको तकलीफ होती है उन बातों के बारे में अच्छे से चर्चा करें। एक नई खरीद या व्यापार आपके दिमाग में है, अपने निर्णय पर विचार करें और अपने साथी से प्रतिक्रिया ले लें। बैठकें अभी आपके पेशवर जीवन पर हावी हो सकती है। एक नया अनुबंध या अवसर आपके मार्ग का नेतृत्व कर सकता है। नए निजी और व्यावसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। सावधानियां, किसी मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर भारी मतभेद उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने रिश्तों के बीच शक और वहम जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें। किसी को उधार पैसा देने से परहेज करें क्योंकि इसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। नया वातावरण आपको नए दोस्तों से मिलवाएगा और हो सकता है जीवन में किसी खास का आगमन हो जाए जिसका आप सदियों से इंतजार कर रहे थे। विवाह की सहनाई भी बच सकती है। दिमाग में पक रहे रोमांटिक विचारों की वजह से आप उत्तेजित महसूस करेंगे। आजकल आपको भूख प्यास नहीं लग रही, नहीं आपका मन काम में लग रहा है और आपको हर जगह एक ही चेहरा नजर आ रहा है, तो समझ ले कि आप प्यार में पड़ चुके हैं। अपनी इस रंगीन भावनाओं को ब्लैक एंड व्हाइट ना होने दें। अपने पार्टनर को प्राथमिकता दें लेकिन अपने काम को ना भूलें। बात करते हैं करियर की। व्यापार में बिक्री या खरीदी के लिए आज का दिन अच्छा है। बिजनेस कॉम्पिटिशन या राजनीतिक विपक्षी से बचे क्योंकि आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। अटके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है।
आपका सही समय अभी नहीं आया है, इसलिए इंतजार करना बेहतर है। आपकी तकनीक सही नहीं है, इन पर अच्छे से विचार करें और किसी विशेष की सलाह लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सही समय की प्रतीक्षा करें और चीजों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं आगे बढ़ें। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बात करते हैं सेहत की। आप तनाव कम करें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। आप याद रखें कि छोटी छोटी बातों पर आपा ना खोएं। आज आपको हमेशा संयम बनाए रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आज का उपाय। आज अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।